दिल्ली की जनता की बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। मोदी सरकार के कार्यकर्ता भी दिल्ली की जनता को बचाने में लगे हुए हैं। आज दुर्गापुरी चौक पर विकास भारद्वाज के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। विकास जी क्या कहना चाहेंगे, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश भारतवासियों ने लास्ट पिछले सप्ताह सुना और उसमें उन्होंने यही संदेश दिया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सावधानी आपको अब भी बरतनी है और दो गज की दूरी जरूर रखें और साथ में मास्क। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, किसी पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं या कहीं दोस्तों के साथ भी आप हैं तो मास्क का प्रयोग करें। इस ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये आपके परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबकी सेफ्टी का मसला है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की जनता को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का कोरोना पे ध्यान ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो तेल पर रेड लाइट पे खड़े होकर के प्रदूषण मुक्त। भाई साहब, आप एक बात बताइए, प्रदूषण की मास्क लगा लेगा आदमी तो प्रदूषण से तो वैसे ही सेफ है। इस टाइम तो जान बचानी भारी हो रही है। उन्हें 30 सेकंड के लिए गाड़ी बंद करानी है, उनसे बोलो कि भैया जाके किसी टेक्नीशियन से बात करें, 30 सेकंड के लिए गाड़ी बंद करके स्टार्ट करके ज्यादा तेल फूकता है। मतलब ज्यादा तेल फूकता है? बिल्कुल बिल्कुल फूकता है साहब, आप सब जानते हैं इस चीज को। अब 10-20 सेकंड के लिए गाड़ी बंद कर लें। जो आज हमारे देश के साथ संकट का समय है, सबसे बड़ा संकट है पूरे विश्व के साथ, है हमारे देश के साथ नहीं पूरे विश्व के साथ, वो है कोरोना। हमें इस कोरोना से बचना है, औरों को ये संदेश देना है कि भाई मास्क पहनो। हम लोग अपनी टीम के साथ कल से यहाँ पे सुबह रोज 9 से 12 बजे तक हम लोग यहाँ रहते हैं और अभी आगे 3 दिन और रहेंगे, जैसा कि हमारा पार्टी का निर्देश है कि लोगों को जागरूक करो। जनता कितना साथ दे रही है आप लोग? जनता बिल्कुल साथ दे रही है भाई साहब। देखिए, हम मास्क भी बांट रहे हैं, जो लोग बिना मास्क के हमें मिलते हैं मास्क भी बांटते हैं, और जिन्होंने मास्क जेब में रखे उन्हें कहते हैं पहनो, बेटा ये मास्क लो, मास्क पहनाओ बच्चे को। विकास जी क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली की जनता को? देखिए, मैसेज ये है कि भाई अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आपको दूसरों का भी ध्यान रखना है। ये किसी एक परिवार की, एक इंसान की समस्या नहीं है, पूरे देश की, पूरे विश्व की समस्या है। मास्क पहने, उचित दूरी रखें और अपने हाथ सैनिटाइज या प्रॉपर वॉश करें, ध्यान रखें, देश के हित में काम करें, खुद भी बचे औरों को भी बचाएं। सुरेंद्र पाल जी क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो है मास्क लगाना बहुत जरूरी है, इससे जो है लोगों को बहुत राहत मिली हुई है, और सैनिटाइजर करें, हाथ को अच्छी तरीके से साफ करें। और प्रदूषण तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस सरकार पे प्रदूषण रुक ही नहीं रहा है, इस वजह से अभी भी आंखों में शाम के टाइम तो पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जो काम लेकर के चल रहे हैं, क्या आप मानते हैं कारगर है? नहीं, कोई कारगर नहीं है उनका काम, जो फेल है अरविंद केजरीवाल, फेल है, बिल्कुल फेल है अरविंद केजरीवाल। आप देख लीजिए ना, ये भी चौराया है, कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे कोई सिविल डिफेंस वाला यहाँ खड़ा है? कोई यहाँ पे किसी को सचेत कर रहा है? काटने में मगन है ना वो तो टीचरों को उन्होंने टारगेट दे दिया, भैया आज 10,000 रुपए इकट्ठे करके लाओ, गरीब आदमी को सड़क पे पकड़ो, उसकी 500 रुपए की बेलदारी है रोज की, वो लेके आनी है उससे छीन के। बिल्कुल ठीक है, ये है, ये हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के? सर, ये कार्यक्रम जो है 5 दिन का कार्यक्रम है, हम यहाँ पे जो है विकास भाई हमारे बड़े भाई के माध्यम से, हमारे पार्टी के माध्यम से, जिला अध्यक्ष जी मास्टर विनोद जी, हमारे विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी के माध्यम से हम यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। और ये 5 दिन कार्यक्रम चलेगा, आज हमारा दूसरा दिन है। हम यहाँ 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ खड़े होते हैं और पब्लिक को जागरूक करते हैं, और जिस पे मास्क नहीं है उन्हें हम मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहने हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं, पब्लिक को यहाँ जागरूक कर रहे हैं। पब्लिक कितनी जागरूक हो रही है भाई साहब? हमारे पब्लिक तो मेरे ख्याल से चालान के डर से जागरूक है। हाँ, चालान के डर से जागरूक है और है 50% जागरूक है, 50% हम जागरूक कर रहे हैं। और अभी कोरोना काल, अभी कोरोना गया नहीं है भाई साहब, अभी जो पॉल्यूशन भी हो रहा है सर्दी में, लेकिन बिहार में तो भाजपा ने भेज दिया है क्योंकि दवा ले आए, दवा वोट ले रहे हैं और दवा दे रहे हैं भाई साहब। बात यह है कि मास्क और 2 गज की दूरी यही दवाई है अभी फिलहाल तो सर्दी में, ये कोरोना। लेकिन बिहार के मैनिफेस्टो के अंदर तो दवा आ चुकी है? बिहार के मैनिफेस्टो में दवा नहीं आई है, उसके क्योर आया कि कैसे क्योर कर सकते हैं उसको, क्या बचाव है, यही दवाई है फिलहाल कि आप मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी लीजिए। अंशु जी आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे थे दवा आ गई है, तो दवा तो ये हमारी चीज, दवा तो यही है मास्क। तो बिहार में कैसे कह रहे हैं कि वोट दो और वैक्सीन फ्री में लो? ऐसे नहीं दे रहे, ऐसा कोई नहीं कह रहा सर, ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।